फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए, न्यू बॉर्न बेबी से लेके 1 साल के बच्चे तक का मैं ये आपको रैबिट वाला कैप बनाना बताऊंगी। तो इस पे देखिए, माथे पे मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है, तो स्ट्रेचेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए अच्छे से आ जाएगा बेबी के सिर पे ये। तो इसको मैंने 82 फंदों से स्टार्ट करा है। ये देखिए, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो इस तरीके से हमने इसमें डिज़ाइन बनाया है। तो मैं ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, आज देखिए, आज हम इसमें बेबी के लिए रैबिट वाली कैप बनाना सीखेंगे। तो ये मैंने गोले वाली ऊन ऐसे ले रखी है, बहुत ही सॉफ्ट है ये, तो बेबी के लिए बहुत ही सही है ये। तो इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। तो 10 नंबर की सिलाई आप ले लीजिए। और सबसे पहले मैं आपको फंदे डालना बताती हूँ। ये देखिए, डिज़ाइनर फंदे डाले हमने। तो ऐसे आप, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं इसी पे आपको मेजरमेंट बताऊँगी। तो फंदे डालना, सबसे पहले ऐसे आप एक लूप निकाल लीजिए, देखिए। इसके बाद एक फंदा ऐसे बनाइए, एक ऐसे, ऐसे, जैसे भी आपको डिज़ाइनर फंदे डालने आते हैं वैसे आप इसको बना लीजिए। तो ये हम फंदे डाल लेंगे। तो देखिए, इस पे मैंने फंदे डाले हैं, ये मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो 80, 81, 82 फंदे हमने बना लिए। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, पहली सिलाई जब हम फंदे डालेंगे तो पहली सिलाई हमने पूरी ऐसे सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाना है। फंदे डालने के बाद ऐसे आप इस तरीके से, अब हम सीधी सिलाई पे आ गए। तो सीधी सिलाई पे देखिए, एक फंदा हम सीधा कर देंगे और एक उल्टा, इसका हम बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पे ऐसे। दोनों साइड से हमें बॉर्डर सेम बनाएंगे। एक उल्टी सिलाई पे जैसा हमें दिखेगा, एक फंदा सीधा एक उल्टा, वैसे हम बना देंगे। तो देखिए, उल्टी सिलाई भी दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए ऐसे एक फंदा है उल्टा, देखिए दिख रहा है ये सीधा है, इसको हम सीधा बना देंगे। ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा। तो ऐसे आप बॉर्डर इसका बना लीजिए। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की बनाई है। 6 सिलाइयाँ, एक सीधा एक उल्टे का, और एक हमने जो पहली सिलाई उल्टी उल्टी बनाई वो वाली। अब इसके बाद देखिए, इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कितनी लेंथ रखी है। अब यहाँ से आगे हम ये डिज़ाइन भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, 6 इंच की लेंथ रखी है मैंने फ्रेंड, ये देखिए थोड़ा सा कम है, 6 से 6 ही खींच जाता है ऐसे। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए क्या करा हमने, 32 फंदे हमने इस साइड को, ये देखिए ये सीधे बनाए, यहाँ से बॉर्डर बनाने के बाद 32 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदे हमने ऐसे बनाए हैं। क्योंकि जब बच्चा पहनेगा, बच्चे के माथे पे इस तरीके से डिज़ाइन आएगा। और 32 फंदे हमने इस साइड, 32 ही इस साइड, और बीच में हमने 18 पे डिज़ाइन बनाया है। इसके बाद 1, 2, 3 मतलब 2 सिलाइयाँ हमने ए बनाई सीधी उल्टी, उसके बाद 2 धारियाँ ए, फिर 3 सिलाइयाँ ये होती हैं, जैसे ए उल्टी बना ली धारी, फिर उल्टी सिलाई, फिर सीधी, फिर उल्टी, 3 ऐसे। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6
छह डिजाइन बनाने के बाद तीन सिलाइयाँ हमने ये बना ली हैं। अब यहाँ से हम फंदे डिवाइड करेंगे, आधे फंदे हम इस साइड को रखेंगे, आधे इस साइड को। तो आपने यहाँ कोई डिजाइन और बनाना है इतने पोर्शन में जो 6 इंच का है, आप यहाँ कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया। इसके बाद हम इसका आधा आधा करेंगे, तो 41 फंदे हम इस साइड को कर देंगे, 41 हम इस साइड को। तो देखिए 1 ऐसे 2 इस तरीके से हमें 4, 5, 6, 7, 8 तो 41 फंदे में कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड 41 फंदे अब हमने यहाँ तक बना लिए, तो दो डिजाइन हमारे इस साइड हो गए, दो इस साइड, और बीच के इस पे हमने जो यहाँ से सीधे हैं वो इस साइड से उल्टे हैं, जो इस साइड से उल्टे हैं वो यहाँ से सीधे हैं, ऐसे बनाना है हमने। देखिए उल्टी साइड पे ऐसे दिख रहा है ये, और सीधी पे भी सेम दिखेगा दोनों साइड से। अब यहाँ से हमने पीछे पलटेंगे इसको, ऐसे हम पीछे पलट गए और पहला फंदा ऐसे स्लिप करा, ऐसे 8 सिलाइयाँ हम यहाँ पे सीधी उल्टी बना देंगे, चाहे 6 बनाइए चाहे 8 बनाइए, आपकी मर्जी है। अब इन्हीं फंदों को हमने बना लेना है दोनों साइड से, सीधा उल्टा, उल्टी सिलाई पे उल्टा और सीधी पे सीधा। फिर मैं आगे दिखाती हूँ, यहाँ पे हमने रैबिट के कान बनाने हैं, तो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आगे बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड 8 सिलाइयाँ हमने बना ली सीधी उल्टी, ये देखिए। अब इन्हीं फंदों को अब देखिए क्या करेंगे हम, पहला फंदा ऐसे स्लिप करा, 2, 3, 4 चार बनाए, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर 4 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 फिर 2 का 1 करा, फिर 4 फंदे बनाए, 4 फिर 2 का 1, 1, 2, 3, 4 फिर 2 का 1 करा, 1, 2, 3, 4 फिर 2 का 1, 1, 2, 3, 4 फिर 2 का 1। अब देखिए 1, 2, 3, 4 अब यहाँ सिंगल ही बचा, तो इसको सिंगल बनाएंगे, अगली बार यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ से पलटेंगे, उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर अगली सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ मैं आपको, बस ऐसे हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली। अब देखिए फिर से अब 3 फंदे बनाएंगे, पहले हमने 4 बनाए, 2, 3 देखिए 2 वाला फंदा है, तो इसका और इसका, फिर 2 का 1, 1, 2, 3 फिर 2 का 1, 1, 2, 3 फिर से 2 का 1, 1, 2, 3 और 2 का 1, 1, 2, 3 फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, देखिए 1, 2, 3 और यहाँ से फिर से हम 2 का 1 कर देंगे, तो ऐसे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी और अगली सीधी पे दिखाती हूँ, फिर ऐसे हमने पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है। अब फिर से देख लीजिए, अब हमने 2 फंदे बनाए, फिर 2 का 1 कर दिया, 1, 2 फिर 2 का 1, तो पूरा हम ऐसे ही। अब फिर से देखिए, पहला फंदा स्लिप करा और 2 का 1 कर दिया, अब 1 फंदा बनाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, 1 फंदा बनाएंगे 2 का 1 करेंगे। अब फिर देख लीजिए, अब हमने सभी फंदों का ऐसे 2 का 1 कर देना है लास्ट बार, ये भी, और फिर ऐसे देखिए, तो पूरी सिलाई मैं कर लेती हूँ ये, फिर उल्टी सिलाई पे दिखाती हूँ आपको, 4, 5, 6 और 7 तो 7 फंदे बचे, इनको ऐसे।
अब यहाँ से हम धागा काट देंगे थोड़ा सा और सुई पे डालेंगे इसको। तो सुई पे डालने के बाद दिखाती हूँ मैं फिर ऐसे, और सिलाई से अब इसको उतार देंगे ऐसे सुई पे। सुई पे ले लेंगे सभी फंदों को, ये देखिए ऐसे, और एक बार फिर से इनके अंदर से ऐसे निकाल देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे इसको खींच लेंगे और यहाँ पे नोट लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कान बन के आ गया फ्रेंड, ऐसे रैबिट का कान बन गया। तो इसकी सिलाई फिर मैं बाद में बताती हूँ, अभी हम इस साइड वाला भी बनाएंगे वैसे ही। तो यहाँ भी हम 8 सिलाइयाँ पहले सीधी उल्टी बना लेते हैं, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये धागा ऐसे लेके चलिएगा साथ में। अब देखिए फ्रेंड ये मैंने बना लिया, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए दोनों कान भी, ये देखिए। तो अब ये जो हमारा धागा है यहीं से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए कैसे, इस तरीके से जोड़ेंगे इसको। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से जॉइंट करेंगे, एक इस साइड से और इस साइड से, नीचे से अच्छे से जॉइंट करके। फिर ये जो हमारी सीधी सीधी लूप है अब इसी को हम सिलेंगे ऐसे। देखिए एक इस साइड से, एक इस साइड से ऐसे ऐसे हम इन सीधे सीधे फंदों को सिल देंगे ऊपर तक। फिर मैं ऊपर जाके दिखाऊंगी आपको। ऐसे आप यहाँ कान तक, जहाँ तक हमारा डिजाइन बना है वहाँ तक सिल लीजिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है, अब एक कान वाला हिस्सा हम सिलेंगे। तो कान वाला भी, ये वाला पहले हम यहीं पे पक्का कर देंगे। फिर धागा काट के ये देखिए यहाँ से अब कान वाला हिस्सा सिलेंगे। यहाँ पे एक नोट लगा देंगे, पक्का कर देंगे इसको ताकि खुले ना। अब देखिए अब ये दोनों कान ऐसे सिलेंगे। यहीं से हम इसकी सिलाई करेंगे ऊपर से, स्टार्टिंग से ऐसे दोनों साइड से एक एक फंदा ऐसे लेते जाएंगे। देखिए एक एक सीधी सीधी लूप है ये, एक इस साइड से एक इस साइड से ये वाला जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम काट देंगे। फिर देखिए तो यहाँ पर हम पहुँच गए, ये देखिए अब ये वाला भी हम सिल लेते हैं ऐसे ही यहाँ से। ये साइड भी इसकी जॉइंट कर देंगे ऐसे। अब ऊपर जाके फिर इसी धागे से हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। देखिए ये जो धागा है इससे हम यहाँ पे नोट लगा देंगे और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको काट देंगे यहाँ से, और ये वाला भी हम काट देंगे ऐसे। तो अब देखिए अब हमारे सीधा करके दिखाती हूँ मैं पहले आपको। ये
ये देखिए फ्रेंड, सीधा करके इस तरीके से बन के आता है सीधा करके। तो देखिए एक कान दोनों ऐसे। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए इसके बाद हमने ऐसे इसको फोल्ड करना है। और यहाँ पे एक नोट लगा देने हैं धागे से, ऐसे आप डबल ले लीजिए धागा। देखिए एक ऐसे और एक ऐसे, और इसको अब ऐसे हम दो बार यहाँ पे धागा घुमा देंगे। बराबर करना है, ध्यान से करिएगा फ्रेंड, टाइट सा। देखिए और यहाँ नोट लगा देंगे अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको काट देंगे खोल के। तो देखिए फ्रेंड, जब हम अपने बेबी को पहनाएंगे तो ऐसे बहुत ही सुंदर बन के आता है ये। ये देखिए इस तरीके से बराबर कर लीजिएगा इसको। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।